हम तो भरम में भटकल छे जे भरम के बुढ़वा हमरा हटा देला भरम के तोड़ देला आ मनुष्य के अंदर में एक अंधकार है एक प्रकाश है जे अंधकार के कपट के केवार मनुष्य के अंदर में रहे छे जो केवार बंद रहे छे तो अंधार में रहे छे आ ऊ पट के केवार जे खुल जाए तो प्रकाश में आवे छे ई बुढ़वा तारहार में सहारा प्रकाश में लग गेला कि आब देखे छे संसार में मरी प्रतापी महान महान पुरुष सब छे ई कपट के केवार हमरा बुढ़वा खोल देला हर के खोली की खोली कपट के वरिया हो सतगुरु बिना साथ खोली की खोली कपट के वरिया हो सतगुरु बिना ससुरा में फुहरियन कहबे नहीं लूर सिखबे ता ई त हमरा अहाँ के लोकाचारी के लगे जे शास्त्र पुराण मानव के वर्णन के नीचे बड़े भाग से मनुष्य तन पावा आ सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा जो देवताओं के लिए दुर्लभ है शास्त्र पुराण देवता दानव ई सब लाले चतिन जे मनुष्य के जीवन में जाई भगवान के भक्ति भजन करके सतलोक के प्राप्त करी हैं तो मनुष्य में जन्म लेने से कत्ते भाग है जे केहन तपस्या करे छे जे कहां कहने छे जे बड़े भाग देवता तन पावा बड़े भाग गधा तन पावा किया कहने छे मनुष्य तन पावा जे एहन कोनो ने छे जे मनुष्य से बढ़ के कोई तन पावल के तै दुआर जे मनुष्य में छे तो मनुष्य कर्म करू कर्म प्रधान विश्व करी रखा जोस जोस करी तस पलचा खा मनुष्य मिले तो गुरु ने के लिए माँ बाप के सेवा ने के लिए गुरु के सेवा ने के लिए जीव पर दया ने के लिए भूपल के भोजन ने करो लिए तब भले मनुष्य के लक्षण आया के स्वाद में भूल के लिए जीव हिंसा के लिए दुख दिन पर दया ने के लिए लोग के सत्य लिए पीड़े लिए हत्या हिंसा चोरी बेईमानी डकैती तो कहते हंस हंस को पाप किया रो रो को भोगना पड़ेगा मानव हंस हंस के कर्म कुकर्म कर लेते हैं मालिक उसको छोटा सा गलती भयानक दंड देते हैं घिसे से जम के द्वारा जल्दी उसको प्राण नहीं निकलता है बड़ा कष्ट देकर भगवान इसको सबको नजर फाड़ कर दिखा देते हैं देखो कैसा कर्म किया है तब मानव को ज्ञान होता है जो कैसा का कर्म किए हैं जो अभी भोग रहे हैं भूमि है कर्म भूमि हम लोग कर्म योगी हैं जैसे कर्म करेंगे इसी पे अगर भोग के तब जाएंगे तो कर्म करो लोग जो अपने मन के बड़ी कुल मनती कि जो मन के कहा मत कीजिए मन है पक्का चोर न जाने कहा लाकर मानव को डाल देगा चोरी करवा देगा हत्या हिंसा करवा देगा कहते हैं मन जाते हैं तो जाल दो तन करो को तीर मन में तेरा क्या करेगा लौट जाएगा फिर मन के कहा मत कीजिए न जाने कहां से नरक में डाल देगा कैसे मन को मनन कीजिए चिंतन कीजिए कैसे अपने मन की बड़ी कुल मनती अपने मन की बड़ी
जो जिनके उपलक्ष में एक नए कार्यक्रम हुआ हो रहा है, वही दोनों बहुआ ने और इस भजन पर 51 रुपया दान कर रहे हैं। बड़ी दान देने वाले बच्चों की, उनकी श्रद्धा और भाग की, उनकी माता और पिता की। सत्संग में अन्य दान कर रहे हैं। बोलिए दान देने वाले दाता की, उनकी माता और पिता की। लोग अपने अपने काम धंधा में छल छील करने लगेंगे, परंतु मैं तो यहाँ के रहने वाली नहीं हूँ। मैं तो देवलोक से उतर के आई हूँ इस विश्वभुवन में मानव को माया की जाल में उझारने के लिए, और उस माया मानव को हम लिपटाने के लिए आए हैं। परंतु ठक के मैं भागी जा रही हूँ। अब इस बाबा को मैंने देख लिया और बाबा के गुण को मैंने समझ लिया जो क्या है। इनको चक्कर में मैं पड़ जाऊंगी तो मैंने सबको ठक लिया। इस गुरुवा बाबा को मैं नहीं ठग पाऊंगी, नहीं तो पकड़ लेंगे तो मुझे जान नहीं छोड़ेगा। इससे हमको बच के रहना पड़ेगा। अब यहाँ से भागी जा रही हूँ किसी एकांत स्थान में जाकर। कहते हैं कि स्मृति होने बिना भक्ति से कोई किसी को मुक्ति नहीं मिलता है। मैं जाकर एकांत स्थान में हर एक निराकार में बैठ के मैं भक्ति भजन करूंगी, तब मुक्ति मिलेगा। तब ये समाचार मैं विष्णु भगवान को सुनाऊंगी।
हे गुरुदेव, सवेरा की समय हो चुकी है। उसके बाद सवेर हो जाने के बाद मैं नदी जाऊंगी, स्नान करके गुरु को पूजा के आराम करूंगी। सखी है मेरा मान भेलई या